का पवित्र दिन है। हिंदू पूरे देश में इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। भगवान गणेश देवताओं में सबसे प्रथम माने जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए भगवान गणेश का आवाहन किया जाता है। भगवान गणेश को सारे देवता अपनी से ऊपर मानते हैं। सत्य साई बाबा भगवान गणेश को बहुत ही प्राथमिकता देते थे। प्रशांति निलायन में जैसे ही साधक लोग प्रवेश करते हैं आश्रम में, तो सबसे पहले भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के ही दर्शन होते हैं। सत्य साई बाबा ने अपने प्रवचनों में भगवान गणेश और गणेश चतुर्थी का बहुत बार बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से किया है। इस वीडियो में हम भगवान सत्य साई के गुण विचार, भगवान गणेश या विनय के बारे में जानेंगे। श्री सत्य साई बाबा अक्सर गणेश या विनय के बारे में बात करते थे। भगवान का वह रूप जो भक्तों की रक्षा करता है और उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश की पूजा और आराधना के दिन के रूप में मनाई जाती है। श्री सत्य साई बाबा के प्रवचनों के अनुसार भगवान गणेश के सिद्धांत के सार को हम अवगत कराते हैं। विनायक की प्रार्थना। विनायक कौन है? शुक्लांबर धर्म विष्णु शब्दों से शुरू होने वाले श्लोक संस्कृत छंद में केवल देवता के रूप में वर्णन किया गया है, लेकिन विनायक नाम का और एक आंतरिक है। शुक्लांबर धर्म का अर्थ है वह जो सफेद वस्त्र पहने हुए है। विष्णु का अर्थ है वह सर्वव्यापी है। शशि वर्णम का अर्थ है उसका रंग राकेशमान धूसर है। चतुर्भुजम का अर्थ है उसकी चार भुजाएं हैं। प्रसन्नोदनम का अर्थ है उसका सदैव प्रसन्न रहने वाला रूप है। सर्वविघ्नोपशमनम का अर्थ है सभी बाधाओं को दूर करने वाला। ध्यायेत का अर्थ है उसका ध्यान करो। विनायक वह देवता है जो सभी बुरे गुणों को दूर करता है, अच्छे गुणों को भरता है और जो भक्त उसका ध्यान करता है उसे शांति प्रदान करता है।
हाथ लोग विनायक की पूजा बिना इसके महत्व को समझे ही करते हैं। विनायक सभी पहलुओं में एक सच्चे नेता के गुणों का प्रतीक है। या विनायक के इति विनायक का अर्थ है वह स्वयं एक स्वामी है। इस दुनिया में विनायक की पूजा कई लोग करते हैं, हालांकि विनायक किसी की पूजा नहीं करते क्योंकि उनके ऊपर कोई स्वामी नहीं है। यहाँ तक कि पिता ईश्वर भी अपने बेटे विनायक की पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। विनायक को विघ्नेश्वर बाधाओं को दूर करने वाला भी कहा जाता है। विनायक की पूजा करने वाले के रास्ते में कोई बाधा नहीं आ सकती। विनायक की पूजा आध्यात्मिक और सांसारिक प्रयासों में सफलता प्रदान करता है। भगवान दो सत्रों पर खुशी प्रदान करते हैं, प्रवृत्ति बाहरी और निवृत्ति आंतरिक। प्रवृत्ति भौतिक शरीर से संबंधित है और निवृत्ति बुद्धि से संबंधित है। भगवान विनायक का सिर और सुंडी हाथी जैसा है, यह दर्शाता है कि विनायक की तुलना बुद्धि में हाथी से की जा सकती है, जो हमेशा आगे बढ़ने से पहले दो बार सोचता है। इसी तरह बुद्धिमानी से विवेक करने के बाद ही विनायक आगे बढ़ते हैं। गणपति शब्द के चार अक्षर का नाम पा और ती दर्शाते हैं कि भगवान विनायक विज्ञान सुज्ञान और प्रज्ञान से भरे हुए हैं। आज लोग गणपति नाम के अंतर्निहित अर्थ को भूल जाते हैं और खुद को केवल अनुष्ठानों में व्यस्त रखते हैं। आप कोई भी अनुष्ठान नहीं करें, लेकिन भगवान विनायक की पूजा करना कभी ना छोड़ें। वह गुणातीता गुणों से परे है। वह निर्गुणम निरंजनम सनातनम निकेतनम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्मला स्वरूपीनम है। ईश्वर निर्गुण शुद्ध प्राचीन अंतिम निवास शाश्वत निष्कलंक प्रबुद्ध मुक्त और पवित्रता का अवतार है। अटूट विश्वास आवश्यक है। भगवान पर आस्था कभी कम नहीं होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में किसी को भी भगवान के आदेशों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। कोई चाहे कितनी भी पूजा करे, चाहे कितनी भी गहनता से ध्यान करे, अगर कोई भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो ये भक्ति अभ्यास व्यर्थ हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान का कोई स्वार्थी उद्देश्य या लक्ष्य नहीं है। यह छोटी छोटी स्वार्थी मंशाओं के कारण है कि लोग भगवान की पवित्र आज्ञाओं के विरुद्ध कार्य करते हैं। उल्लंघन के छोटे छोटे कार्य भी समय के साथ खतरनाक रूप धारण कर सकते हैं। जैसे आकाश में बादल हवा के झोंकों से एक दूसरे के पास आ जाते हैं या बिखर जाते हैं, वैसे ही समय के साथ मनुष्य के लिए साथियों का मिलन या वियोग तथा सुख या दुख आते हैं। समय ईश्वर का रूप है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे पवित्र शब्दों को समझने के लिए ही गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। गणेश की बुद्धि विनायक ने सिद्धियां सर्वोच्च शक्तियां कैसे प्राप्त की? उनके माता पिता ने अपने दो बेटों गणेश और सुब्रह्मण्यम के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। उन्होंने कहा कि जो भी ब्रह्मांड की परिक्रमा करने में सबसे पहले आएगा उसे भी फल के रूप में अपनी कृपा प्रदान करेंगे।
छोटे बेटे सुब्रह्मण्य ने तुरंत अपने घोर पर सवार होकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए प्रस्थान किया। सुब्रह्मण्यम को अपने माता पिता के पास आते देख अपनी यात्रा के लगभग अंत में विनायक, जो पूरे समय चुपचाप बैठे थे, उठे और माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। पार्वती ने देखा कि सुब्रह्मण्यम, जिन्होंने ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए इतनी परेशानी उठाई थी, उन्हें विशेष घोषित किया जाएगा और घोषित किया जाना चाहिए। परमेश्वर भगवान शिव ने विघ्नेश्वर गणेश से पूछा कि माता पिता की परिक्रमा करने का आंतरिक महत्व क्या है। गणेश ने उत्तर दिया, पूरा ब्रह्मांड आप दोनों में व्याप्त है, पूरी सृष्टि शिव शक्ति रूप की अभिव्यक्ति है। इस अभूतपूर्व ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का प्रयास करना ब्रह्म का कार्य है। आप दोनों की परिक्रमा करना ही ब्रह्मांड की सच्ची परिक्रमा है। तब पार्वती ने कहा, तुम्हारा ही बल है। गणेश दिव्य सेनाओं गणों के स्वामी बन गए। ईश्वर विनायक की सर्वोच्च बुद्धिमता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे कहा, जो लोग मेरी पूजा करना चाहते हैं वे सबसे पहले आपकी पूजा करेंगे। विनायक पर ऐसी कृपा बरसी, इसका कारण क्या है? भगवान और उनकी सर्वव्यापकता में गणेश की आस्था, सभी लोगों के लिए सही मार्ग भगवान में आस्था विकसित करना और ईश्वरीय जीवन जीना है। विघ्नेश्वर को हाथी कसफेली की बुद्धि से संपन्न माना जाता है। हाथी अपनी सर्वोच्च बुद्धि के लिए जाना जाता है। यह अपने स्वामी के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा के लिए भी जाना जाता है। यह अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण साई गीता भगवान का हाथी है। आमतौर पर सड़क पर सैकड़ों गाड़ियां गुजरती होंगी, साई गीता उन पर ध्यान नहीं देती, लेकिन जब स्वामी की कार उस ओर से गुजरती थी तो वह सहज रूप से उसे देख लेती थी। वह अपनी चिर परिचित चीख लगाते हुए सड़क की ओर दौड़ पड़ती थी। स्वामी के लिए कैसा प्रेम! यदि आस्था को हाथी के बराबर माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विनायक सभी देवताओं के नेता हैं। सभी देवताओं के आदर्श के रूप में विनायक में आस्था विकसित की जानी चाहिए और उन्हें देवता के अवतार के रूप में पूजा जाना चाहिए। आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। वह बुद्धि का प्रतीक है, नए विज्ञान का। इस प्रकार गणपति बुद्धि और विज्ञान के स्वामी है। यह ब्रह्मांड गणों देवताओं द्वारा संचालित है और गणपति उनके स्वामी है। इस संसार में सभी के स्वामी है, लेकिन गणपति के कोई नहीं है, वे स्वयं ही स्वामी है। वह गर्वों के गुरु का जन्मदिन है। गणपति को वाहन भी कहते हैं। आपको आश्चर्य हो सकता है, एक छोटा मूषक अपनी पीठ पर विनायक जैसे भारी व्यक्तित्व को कैसे ले जा सकता है? यहाँ मूषक का अर्थ केवल चूहा नहीं है, यह अज्ञान के अंधकार का प्रतीक है, क्योंकि चूहा अंधकार में ही विचरण करता है। इसलिए मूषक वाहन वह है जो अज्ञान को दबाता है और अंधकार को दूर करता है। जब हम विनायक सिद्धांत के आंतरिक महत्व को समझेंगे, तभी हम विनायक चतुर्थी को ठीक से मना पाएंगे। आज लोग विनायक की पूजा वास्तव में इसके महत्व को समझे बिना ही करते हैं। विनायक सभी पहलुओं में एक सच्चे नेता के गुणों का प्रतीक है। याते नायके इति विनायक का अर्थ है, वह स्वयं एक स्वामी है। इस दुनिया में विनायक की पूजा कई लोग करते हैं, हालांकि विनायक किसी की पूजा नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर कोई स्वामी नहीं है। यहाँ तक कि पिता ईश्वर भी अपने बेटे विनायक की पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। विनायक को विघ्नेश्वर बाबाओं को दूर करने वाला भी कहा जाता है। विनायक की पूजा करने वाले के रास्ते में कोई बाधा नहीं आ सकती। विनायक की पूजा आध्यात्मिक और सांसारिक प्रयासों में सफलता प्रदान करती है। भगवान दो सत्रों पर सुख प्रदान करते हैं, प्रवृत्ति बाहरी और निवृत्ति आंतरिक। प्रवृत्ति भौतिक शरीर से संबंधित है, जबकि निवृत्ति बुद्धि से संबंधित है। पूर्व में समय बीतने के साथ
साथ परिवर्तन होता है, जबकि बाद में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को उचित भोजन और आदतों के साथ शरीर की आसक्ति को कम करने का प्रयास करना चाहिए। पश्चाताप ही भविष्य में आने वाली गौरवशाली जीवन का आधार है। इस सत्य को पहचानने के लिए आप भगवान विघ्नेश्वर की पूजा करते हैं। विघ्नेश्वर कौन है? गणपति कौन है? गण शब्द बुद्धि से संबंधित है। ने का अर्थ है ज्ञान। गणपति सभी सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रमुख हैं। विनायक के ऊपर कोई गुरु नहीं है, वे स्वयं गुरु हैं। विनायक आपको किसी भी तरह से कष्ट नहीं देंगे। विनायक आपके सभी प्रयासों को आशीर्वाद देते हैं और सफलता प्रदान करते हैं। वे आपके अंदर कभी भी किसी भी बुराई को पनपने नहीं देंगे। उनका वाहन चूहा है। चूहा अंधकार का प्रतीक है, क्योंकि यह रात के अंधेरे में घूमता है। विनायक इस अंधकार को दूर करने और उसका प्रकाश फैलाने में आपकी मदद करते हैं। देवदेव केवल मानव जाति तक ही सीमित नहीं है। हम पक्षियों और जानवरों में भी देवदेव पाते हैं। इस अव्यक्त अंतर्निहित देवदेव को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास विनायक का हाथी का सिर है, जिसका वाहन चूहा है। हाथी अत्यधिक बुद्धिमान, वफादार और निष्ठावान होता है। यह कभी भी अपने द्वारा तय किए गए मार्ग को नहीं छोड़ता और कर्तव्यता के प्रतीक के रूप में खड़ा होता है। कर्तव्यता एक बहुत ही पवित्र गुण है। सहनशीलता ही सत्य, धर्म, वेद, अहिंसा और सब कुछ है। हाथी में बहुत धैर्य और सहनशीलता होती है। वह अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वह अपने मालिक की पीड़ा को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब जंगल में हमारे लिए कोई रास्ता नहीं होता तो हाथी ही चलकर हमारे लिए रास्ता बनाता है। इसी तरह जीवन के इस जंगल में हाथी के सिर वाले विनायक ही हम सभी के लिए आदर्श मार्ग दिखाते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन तरह तरह के प्रसाद बनाए जाते हैं। सारी चीजें भाप में पकाई जाती हैं और उन्हें अर्पित की जाती हैं। उन्हें चावल के आटे और तिल के बीजों से बने कुटुमलू और इंद्रालू का भोग लगाया जाता है, जिसमें तेल नहीं होता। ऐसा प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है? मानवता के लिए स्वास्थ्य ही धन है। पाप में पका भोजन करने वाले लोग बहुत स्वस्थ रहते हैं, लेकिन आज इंसान तरह तरह के व्यंजनों के पीछे भाग रहा है। लेकिन हाथी के लिए स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। विनायक भी हमें यही सिखाते हैं। चावल के आटे और तिल के बीजों से बनी यह डिश हमें आंखों के सभी दोषों जैसे दाग और मोतियाबिंद से मुक्ति दिलाती है। गुड़ और तिल के बीजों का मिश्रण पित्त वायु और कफ का कारण होने वाले सभी दोषों और बीमारियों से बचाता है। भाप से बने चावल के आटे से बनी डिश पाचन में मदद करती है। विनायक के पास बहुत सी ऐसी शिक्षाएं हैं जो मनुष्य को स्वयं को मुक्त करने में मदद करती हैं। भगवान गणेश की पूजा बहुत प्राचीन काल से की जाती रही है। नारायण उपनिषद में सबसे पहले भगवान गणेश की स्तुति की गई है। तीनों वेदों में हमें भगवान गणेश का उल्लेख मिलता है। संगीत में भी गणेश से उनकी कृपा की प्रार्थना की जाती है। क्या हमारे अंदर विनायक के गुण है? भगवान विनायक का हृदय शुद्ध है। वास्तव में सिद्धि और बुद्धि उनकी दो आंखें हैं। उन्होंने उन्हें अपनी संगिनी माना। बुद्धि के लिए हमारे पास बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि के लिए हमारे पास कृतज्ञता होनी चाहिए। एक कृतघ्न व्यक्ति कभी भी बुद्धिजीवी नहीं बन सकता। बुद्धि के बिना कोई कभी सफल नहीं हो सकता। विनायक सफलता प्रदान करते हैं, इसलिए हमें भगवान विनायक के आंतरिक महत्व को जानने की आवश्यकता है। आज हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। गुरुओं के गुरु विनायक की पूजा के बिना और अहंकारी तरीके से काम करने से हम असफल हो जाते हैं। विनायक चतुर्थी
साल का पहला त्यौहार है, उसके बाद अन्य त्यौहार आते हैं। भारतीय अपनी दैनिक पूजा भगवान गणेश की पूजा से शुरू करते हैं। विनायक आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक शत्रुओं के प्रमुख हैं। हमें इन सभी शत्रुओं को बनाए रखना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। विनायक चतुर्थी के दिन भारतीयों की यह प्रथा है कि वे बाप में पकाए गए व्यंजन तैयार करते हैं जिसमें तेल नहीं होता और विनायक को उनका भोग लगाते हैं। ये भोग अद्वितीय और विशेष होते हैं। तेल, चावल का आटा और गुड़ का मिलाकर कोने बनाकर बाप में उबाल कर भगवान विनायक को भोग लगाया जाता है। आपको इस तरह के भोग लगाने के उद्देश्य के बारे में पता लगाना चाहिए। बाप में पकाए गए ये भोग मूर्धक आंखों के लिए अच्छे होते हैं और अस्थमा और इसिनोफिलिया पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं। ये भोग स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और मनुष्य को खुशी प्रदान करने के लिए होते हैं। इन्हें केवल अनुष्ठानिक अभ्यास के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। भगवान से संबंधित हर चीज का एक पवित्र आंतरिक अर्थ होता है। इस सत्य को समझने में असमर्थ मनुष्य हर चीज को सांसारिक दृष्टि से देखता है। विद्यार्थी परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने की आशा से विनायक की पूजा करते हैं। वे उच्च योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं तथा महान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु वे अच्छे आचरण तथा अच्छे व्यवहार की आकांक्षा नहीं रखते। उन्हें उन गुणों का विकास करना चाहिए जो भगवान को प्रिय है। कोई भी कार्य करने से पहले ये पूछ लें कि क्या यह भगवान को पसंद है। यदि भगवान आपके कार्यों से संतुष्ट हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अपनी पसंद ना पसंद के अनुसार मत चलें, भगवान की इच्छा के अनुसार आचरण करें। स्वार्थ तथा सविहित का परित्याग करें। पवित्रता तथा शुद्धता का विकास करें। यही भगवान गणपति की शिक्षा है। गणपति आपको बुद्धि तथा सिद्धि प्रदान करते हैं। सिद्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब आपके पास अच्छी बुद्धि हो। आपको पूरे दिल से भगवान से प्रेम करना चाहिए तथा जो कुछ भी आप करते हैं उसे उन्हें अर्पित करना चाहिए। तब किया गया एक साधारण कार्य भी महत्वपूर्ण लगता है। हर दिन को पवित्र मानो। भगवान की पूजा करने के लिए आपको विनायक चतुर्थी या नवरात्रि का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हर पल को ईश्वरीय मानकर उसका सही उपयोग करो। लोग भजन का महत्व समझे बिना ही भजन करते हैं। भगवान पर ध्यान लगाने के बजाय वे सुर और लय के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बेशक भजन में सुर और लय का भी बहुत महत्व है, लेकिन एक बार जब आप अपने दिल को ईश्वरीय प्रेम से भर लेते हैं तो सुर और लय अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अगर आप सुर और लय पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप भगवान का ध्यान नहीं कर पाएंगे। जैसे आग में डाला गया लोहे का गोला आग में जाता है, वैसे ही आपका मन भी भगवान के साथ ही हो जाना चाहिए। पानी को दूध से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही आपका मन भी भगवान में विलीन हो जाना चाहिए। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप भगवान से अलग हैं। एकता के ऐसे सिद्धांत को जो समझ लेता है वही सच्चा इंसान है। भगवान की पूजा को सिर्फ त्योहारों तक सीमित न रखें, हर पल भगवान के चिंतन में बिताना चाहिए। आप सोच सकते हैं यदि हर पल ईश्वर के चिंतन में व्यतीत किया जाए तो हमारा काम कैसे संभव है। अपने काम और ईश्वर के काम में अंतर न करें। आपका काम ईश्वर का काम है क्योंकि आप ईश्वर हैं। यह सोचना गलत है कि प्रार्थना कक्ष में आप जो भी करते हैं वह ईश्वर का काम है और बाहर आपका काम है। आपको इस तरह की अलगाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। अपने हृदय को ईश्वर की वेदी समझिए और अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़िए। जो इस सत्य को समझता है और उसके अनुसार कार्य करता है वही सच्चा मनुष्य है। गणपति बुद्धि और ज्ञान के अवतार हैं। सत्य बुद्धि से निकलता है और अंततः आनंद की ओर ले जाता है। यही गणपति की शिक्षा है। गणपति कौन है? वे सभी गुणों, 5 इंद्रियों, 5 तत्वों और 5 प्राणमय कोशों के अधिपति स्वामी है। मानव शरीर में 5 कोश हैं, अन्न में, भोजन में, प्राण में,
जीवन में, मनो में, मन में, विज्ञान में, बुद्धि में और आनंद में, आनंद में मनुष्य केवल मनो में तक ही प्रगति करता है। वह ज्ञान और आनंद के कोष तक नहीं जा सकता। आनंद की स्थिति तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को ईश्वर की शरण लेनी पड़ती है। गणपति को हाथी के सिर के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि वे बहुत बुद्धिमान हैं। गणपति को विनायक के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है नायक, स्वामी के बिना। वे सिद्धि और बुद्धि के स्वामी हैं, इसलिए सिद्धि और बुद्धि प्राप्त करने के लिए विनायक की पूजा करनी चाहिए। विनायक की कृपा पाने के लिए आपको अपनी बुद्धि का उचित उपयोग करना होगा। बुरी संगति से दूर रहें, अच्छी संगति की तलाश करें, तभी आपका जीवन मुक्त होगा। आप इस भ्रम में हैं कि आज विनायक का जन्मदिन है, लेकिन उनका न तो जन्म है न मृत्यु, उनका न तो आरंभ है न अंत, ये तो सनातन साक्षी हैं। भारत के सभी त्यौहार गहरे आंतरिक अर्थों से भरे हुए हैं, ये अत्यंत पवित्र हैं। त्यौहार केवल स्वादिष्ट व्यंजन बनाने और उन्हें खाने के लिए नहीं होते, वे हमें दिव्यता की याद दिलाने के लिए होते हैं। त्यौहार के दिन आप अपने घरों को हरे पत्तों के झंडियों से सजाते हैं और पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनते हैं। इसी तरह आपको भी अपनी पुरानी गंदी आदतें छोड़ देनी चाहिए और नए और पवित्र विचारों को अपनाना चाहिए। भगवान की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप रावण और हिरण्यकश्यप की तरह खुद को बर्बाद कर लेंगे। विनायक चतुर्थी के दिन आपको विनाशक को क्या, विनायक को क्या अर्पित करना है? आज लोग भगवान को विभिन्न फलों का अर्पण करने में बहुत पैसा खर्च करते हैं। ये सभी अर्पण केवल एक अनुष्ठान के रूप में किए जाते हैं, अंततः लोग स्वयं ही उनका सेवन करते हैं। इन अर्पण करने से कोई लाभ नहीं होता। पत्रम, पुष्पम, फलम और तोयम, ये चार चीजें हैं जो आपको भगवान को अर्पित करनी चाहिए। यहाँ पत्रम, पत्ता का अर्थ है शरीर। यह शरीर किसी भी अक्षर मर जा सकता है, इसलिए कभी भी शरीर के प्रति आप शक्ति न रखें, इसके बजाय इसको भगवान को अर्पित करें। पुष्पम, फूल का अर्थ है हृदय। यह फूल कभी नहीं मर जाता। मन की तुलना फलम से की जा सकती है। और तोयम का अर्थ है खुशी के आंसू। ये चारों भगवान को अर्पित करने चाहिए। यही वह अर्पण है जिसकी भगवान अपेक्षा करते हैं। गणपति शब्द का अर्थ क्या है? गह का अर्थ है बुद्धि और ने का अर्थ है ज्ञान। बुद्धि जिसका अर्थ है गणपति, बुद्धि और विवेक के स्वामी हैं। ज्ञान और विवेक की प्राप्ति गणपति की पूजा के बराबर है। उनका एक और नाम विनायक है क्योंकि उनके अलावा कोई स्वामी नहीं है। उन्हें विघ्नेश्वर भी कहा जाता है क्योंकि वे सभी बाधाओं को दूर करने वाले और सभी प्रकार के संपत्ति के स्वामी हैं। गणपति का सिद्धांत कोई साधारण है सिद्धांत नहीं है, यह ऊर्जा और बुद्धि के विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति है। सरस्वती का ज्ञान उनके पेट में समाया हुआ है। अगर हम विनायक को पहला सम्मान देते हुए कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमें कोई बाधा नहीं आएगी। हमें गणेश से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? हमें नौकरी और अन्य सांसारिक मामले जैसी छोटी मोटी चीजें नहीं मांगनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए हमारे रास्ते में कोई बाधा नहीं आए। हमें खुद गणेश को मांगना चाहिए। एक बार जब गणपति आपके कक्ष में हो जाते हैं तो आप सभी के स्वामी बन जाते हैं। विघ्नेश्वर का उत्सव कोई साधारण उत्सव नहीं है। विघ्नेश्वर में सभी अक्षमताएं शक्तियां नहीं दें। गणपति की पूजा सिर्फ आज ही करनी काफी नहीं है, आपको हर रोज पूजा करनी होगी। हमें अपने जीवन के हर पल भगवान के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करने चाहिए। गणपति नाम का अर्थ क्या है? गण कहाँ है? उनका स्वरूप क्या है? जब आप इसकी जांच करते हैं तो आप पाते हैं कि पांच धारणा की इंद्रियां और पांच कर्म की इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां गण हैं। मन इन 10 इंद्रियों का स्वामी है। बुद्धि या बुद्धि मन से ऊपर विवेकशील संकाय है। 10 इंद्रियां मन और बुद्धि मिलकर गण बनते हैं।
गण शब्द में कह का अर्थ ने का अर्थ है वैज्ञानिक उच्च ज्ञान या बुद्धि, गणपति बुद्धि और उच्च ज्ञान के स्वामी है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है क्या बुद्धि और उच्च ज्ञान बाहरी दुनिया में मौजूद है या उन्हें मनुष्य के भीतर पाया जा सकता है। इसका उत्तर यह है कि वे प्रत्येक मनुष्य के भीतर मौजूद है, उन्हें बाहर दुनिया में खोजने की आवश्यकता नहीं है। गणपति प्रत्येक मनुष्य में बुद्धि और ज्ञान के रूप में निवास करते हैं। जब गणपति को पार्वती धन्या के रूप में वर्णित किया जाता है तो यह पार्वती कौन है? पार्वती का अर्थ है पृथ्वी अर्थात धरती माता, हर कोई धरती माता के संतान है। पार्वती धन्या पार्वती का पुत्र का अर्थ है गणपति जो गणों के स्वामी है। पार्वती के पुत्र जो शक्ति दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। पार्वती और गणपति की पूजा कोई हाल ही की बात नहीं है, ऋग्वेद में कई स्थानों पर गणपति की प्रशंसा की गई है। इससे स्पष्ट है कि गणपति वेदों जितने ही प्राचीन हैं, कई स्थानों पर गणपति का उल्लेख वेदों और उपनिषदों दोनों में किया गया है। नारायण उपनिषद में गणपति को संबंधित कई प्रार्थनाएं हैं, तैतरीय उपनिषद में भी उनके लिए प्रार्थनाएं हैं। गणपति गायत्री मंत्र भी उपनिषद में आता है। गणपति को विनायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनसे ऊपर कोई स्वामी नहीं है, वे सर्वशक्तिमान और स्वतंत्र हैं। हाथी के मुख वाले देवता की पूजा करने का आंतरिक महत्व क्या है? हाथी शक्ति और विशालता का प्रतीक है। हाथी का पैर किसी भी अन्य जानवर के शरीर पैर से बड़ा होता है। हाथी घने जंगल में भी अपना रास्ता बना सकता है। इस तरह यह एक ऐसे नेता के गुण का प्रतीक है जो दूसरे को रास्ता दिखाता है। हाथी अपनी निष्ठा और प्रतिबद्धता के लिए भी माना जाता है। किसी भी परिस्थिति में वह अपने स्वामी को नहीं भूलेगा। अपनी अंतिम अक्षणों में भी यदि वह अपने स्वामी की आवाज सुनता है तो वह अपनी आंखें खोलेगा और उसे ढूंढेगा। वह अपने स्वामी के लिए अपना जीवन बलिदान कर देगा। ये वे सबक हैं जो मनुष्य को हाथी से सीखने चाहिए। कर्तव्यता के बिना बुद्धि मूल्यहीन है। हर आदमी को उन लोगों के प्रति कर्तव्य होना चाहिए जिन्होंने उसकी मदद की है। यदि आप परेशानियों और कठिनाइयों से मुक्त होकर खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो आपको सभी बाधाओं को दूर करने वाले गणपति की पूजा करनी होगी। किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। विघ्नेश्वर आप में से प्रत्येक में अपनी बुद्धि और विज्ञान के रूप में निवास करते हैं। जब आप अपने अंतर्निहित बुद्धि और विवेक का उचित उपयोग करेंगे तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। वे नायक गणेश वह हैं जो सभी दुखों कठिनाइयों और कष्टों को दूर भगाते हैं। वे सभी बाधाओं के शत्रु हैं। वे किसी भी बाधा को रास्ते में नहीं आने देंगे। वे बाधाओं का नाश करने वाले हैं। वे अपने भक्तों को सुख और शांति प्रदान करते हैं। वे इन सभी शक्तियों बुद्धि और सिद्धि के स्वामी हैं। यह सिद्धि पूर्ति क्या है? जब मन की शुद्धता होती है तो आप शांति प्राप्त करते हैं जो सिद्धि है। इस प्रकार विनायक बुद्धि और सिद्धि बुद्धि और आत्म साक्षात्कार के स्वामी है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को मन पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। विनायक सभी विद्याओं के स्वामी हैं। क्या विद्या का मतलब कितनी किताबी विद्वता है? नहीं, ब्रह्मांड से जुड़ी हर चीज विद्या में शामिल है। चलना बोलना हंसना बैठना खाना टहलना सोचना हर तरह की गतिविधि सीखने से जुड़ी है। विनायक हर तरह की विद्या के स्वामी हैं। आज सीखने की पहचान जानकारी हासिल करने से होती है, लेकिन भौतिक दुनिया के ज्ञान के अलावा हमारे पास रसायन विज्ञान ललित कला और अन्य कौशल के ज्ञान के अलावा हमारे पास रसायन विज्ञान ललित कला और अन्य कौशल से संबंधित अन्य प्रकार का ज्ञान है। विनायक हर तरह के ज्ञान के स्वामी है। विनायक सिर्फ उन लोगों की मदद करने वाले नहीं है जो उनकी किताबें पढ़ते हैं। वे जीवन की यात्रा में हर कदम पर हर किसी की मदद करते हैं। विनायक कौन है? शुक्लांबर धर्म विष्णु शब्दों से शुरू होने वाले श्लोक में केवल देवता के रूप का वर्णन किया गया है, लेकिन विनायक नाम का एक और आंतरिक अर्थ है। शुक्लांबर धर्म का अर्थ है जो सफेद वस्त्र पहने हुए है। विष्णु का अर्थ है वे सर्वव्यापी है। शशिवर्णम का अर्थ है कि उनका रंग लाल के समान
भूषण है। चतुर्भुजम का अर्थ है उनकी चार भुजाएं हैं। प्रसन्न भुजन का अर्थ है कि उनका स्वरूप सदैव प्रसन्न रहता है। श्रव विघ्नोपाशमदय का अर्थ है सभी बाधाओं को दूर करने वाला। धाये तन का ध्यान करो, विनायक वह देवता है जो सभी बुरे गुणों को दूर करते हैं, अच्छे गुणों को स्थापित करते हैं और उनका ध्यान करने वाले भक्त को शांति प्रदान करते हैं। हालांकि विनायक सिद्धांत का केवल एक ही अर्थ है जो सभी के लिए प्रासंगिक है, चाहे वह आस्तिक हो या नास्तिक। विनायक का अर्थ है कि वह पूरी तरह से अपना स्वामी है, उसके अलावा उसको कोई स्वामी नहीं है, वह किसी पर निर्भर नहीं है, उन्हें गणपति भी कहा जाता है। इस शब्द का अर्थ है कि वह गणों के स्वामी है। दिव्य संस्थाओं का एक वर्ग इस शब्द का यह भी अर्थ है कि वह मनुष्य में बुद्धि और विवेक शक्ति के स्वामी है, उनके पास महान बुद्धि और ज्ञान है। ऐसा ज्ञान शुद्ध और पवित्र मन से निकलता है, यह ज्ञान ज्ञान विज्ञान की ओर से ले जाता है, क्योंकि वह बुद्धि बुद्धि और सिद्धि ज्ञान या बोध के स्वामी है। उन्हें बुद्धि और सिद्धि के भगवान के रूप में वर्णित किया गया है। बुद्धि और सिद्धि को विनायक की पत्नियां कहा जाता है। विनायक का वाहन चूहा है। चूहे का आंतरिक महत्व क्या है? चूहे को गंध की भावना का अवतार माना जाता है। चूहा सांसारिक प्रवृत्तियों वासनाओं के प्रति आसक्ति का प्रतीक है। यह सर्वविदित है कि यदि आप चूहे को पकड़ना चाहते हैं तो आप चूहे दानी के अंदर एक तेज गंध वाला खाद्य पदार्थ रखते हैं। चूहा रात के अंधेरे का भी प्रतीक है। चूहा अंधेरे में अच्छी तरह देख सकता है। विनायक के वाहन के रूप में चूहा एक ऐसी वस्तु का प्रतीक है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। इस प्रकार विनायक सिद्धांत का अर्थ है वह जो मनुष्य में सभी बुरे गुणों बुरी आदतों और बुरे विचारों को दूर करता है और अच्छे गुणों अच्छे आचरण और अच्छे विचारों को विकसित करता है। विनायक का दूसरा नाम है विघ्नेश्वर। ईश्वर वह है जो हर तरह की संपत्ति से संपन्न है, धन ज्ञान स्वास्थ्य आनंद सौंदर्य आदि। विघ्नेश्वर इन सभी प्रकार की संपत्तियों के प्रवर्तक हैं और उनके आनंद में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते हैं। वे अपनी पूजा करने वालों को ये सभी प्रकार की संपत्तियां प्रदान करते हैं। विनायक को प्रथम वंदना पहला देवता जिसकी पूजा की जानी चाहिए के रूप में वर्णित किया गया है। क्योंकि दुनिया में हर कोई धन और समृद्धि चाहता है, इसलिए हर कोई विघ्नेश्वर को पूजा के लिए पहला स्थान प्रदान करता है। गणेश महोत्सव विनायक चतुर्थी। विनायक चतुर्थी हर साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद महीने के पहले पखवाड़े के चौथे दिन मनाई जाती है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अगस्त या सितंबर महीने के साथ मेल खाती है। शास्त्रों में इस ज्ञान को शिव और पार्वती पुत्र गणेश के जन्मदिन के रूप में चिन्हित किया गया है। गणेश उत्सव मरलियन के रूप और नाम के महत्व और गणेश सिद्धांत की पूजा करने के उचित तरीके को समझाने का अवसर होना चाहिए। सभी त्यौहार आध्यात्मिक महत्व से भरे होते हैं। हमें बाहरी अनुष्ठानों से परे जाकर उनके आंतरिक महत्व को समझना चाहिए। स्वामी हमें याद दिलाते हैं कि विनायक चतुर्थी जैसे त्योहारों को मनाने की जरूरत तो है ही, विनायक पूजा के आंतरिक महत्व को समझना भी ज्यादा जरूरी है। इस तरह पूजा आंतरिक परिवर्तन में मदद करती है। विनायक कौन है? मानव जन्म का लक्ष्य है। गजानन गणेश के लिए एक और उपयुक्त नाम है। गजानन का व्युत्पन्न अर्थ है, गय का अर्थ है काम्यम, लक्ष्य जय का अर्थ जन्म, अनाना का अर्थ चेहरा। इसलिए यह नाम दर्शाता है कि गणेश केवल हाथी का चेहरा रखने वाले व्यक्ति नहीं, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। वह देवता है जो हमें ईश्वर को आमने सामने होने में सक्षम बनाते हैं, जो मानव जन्म का लक्ष्य है। विनायक का वाहन चूहा अंधकार का प्रतीक है, जिसका अर्थ है अज्ञानता। चूहा अंधकार में भी घूमता है, प्रकाश में नहीं, इसलिए हो सके विनायक का वाहन होने का आंतरिक अर्थ यह है कि वह अज्ञानता को दबाता है। पार्वती का अर्थ है प्रवृत्ति, इसलिए जब हम कहते हैं कि गणपति पार्वती के पुत्र हैं तो इसका मतलब है कि वे पृथ्वी के पुत्र हैं। पार्वती अर्जुन का दूसरा नाम का अर्थ भी मिट्टी का पुत्र है। प्रत्येक मनुष्य
से पृथ्वी से पैदा होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति गणपति है। गणपति का अर्थ है गणों का स्वामी, दस इंद्रिया मन और बुद्धि, ये भारत द्वादश आदित्य या बारह गण है, जिनमें से गणपति भगवान है। इसलिए वे बार प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि और ज्ञान के रूप में निवास करते हैं। विनायक सिद्धांत आत्मा के समान है। मन समय पांच ज्ञान इंद्रियों और पांच कर्म इंद्रियां होती है। मन इन दसों इंद्रियों का स्वामी है। बुद्धि मन से ऊपर की विवेकशील शक्ति है। दस इंद्रियां मन और बुद्धि मिलकर गण बनते हैं। गण शब्द में गए बुद्धि को दर्शाता है और नैव ज्ञान उच्च ज्ञान या बुद्धि को दर्शाता है। गणपति बुद्धि और विवेक के स्वामी है। स्वामी हमें बताते हैं कि वे नायक हर प्राणी के भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान है। विनायक की तरह आत्मा का भी कोई स्वामी नहीं है। दिव्य शक्ति बुद्धि और मुक्ति, सिद्धि बुद्धि और मुक्ति के दाता, उन्हें सिद्धि विनायक और बुद्धि विनायक के रूप में भी पूजा जाता है। कुछ ग्रंथों में सिद्धि और बुद्धि को गणपति की पत्नियां कहा गया है, यह बहुत गलत है। वे गणपति की दिव्य शक्ति या शक्ति के रूप है। जब बुद्धि सहायता करती है और मार्गदर्शन करती है तो सिद्धि दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। ये दोनों दो पंखों की तरह हैं। वे उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। वे बुरे कामों के सामने बाधाएं खड़े करते हैं और अच्छे कामों के लिए रास्ते में बाधाएं हटाते हैं। विनायक देवता की पूजा करें। आप बुद्धि शुद्ध स्पष्ट बुद्धि और सिद्धि और यहाँ तक की मुक्ति प्राप्त करते हैं। विनायक की प्रार्थना से बुद्धि जागृत होती है। जिस प्रकार अंधकार को दूर करता है उसी प्रकार अज्ञानता के कारण मनुष्य का अंधकार ज्ञान या बुद्धि द्वारा दूर किया जाता है। ये नायक जिन्हें विघ्नेश्वर के नाम से भी जाना जाता है हमें इस भ्रम से उभरने में मदद करते हैं और मनुष्य को अपने अंतर्निहित दिव्य स्वभाव को समझने में सक्षम बनाते हैं। विघ्नेश्वर बुद्धि के अधिष्ठाता देवता हैं और भक्तों को बुद्धि की शुद्धता और सही और तथा स्थायी और अक्षणिक के बीच विवेक करने की शक्ति प्रदान करते हैं। विनायक सिद्धांत सर्वव्यापी है। विनायक सर्वव्यापी है। वे मौन रहकर शिक्षा देते हैं और आदर्श आचरण करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि विनायक की पूजा केवल भारत में ही की जाती है, लेकिन विनायक तत्व सर्वव्यापी है और सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। लोग अलग अलग मार्ग अपना सकते हैं, लेकिन विनायक तत्व का अनुभव सभी कर सकते हैं। यह विनायक तत्व सभी में समाज के रूप में विद्यमान है। विनायक की पूजा को मिट्टी और धातु की मूर्तियों तक सीमित रखना सरासर मूर्खता होगी। वास्तव में विनायक आपके स्वामी हैं, जो आपके भीतर आपके साथ और आपके आसपास हैं। विनायक का निरंतर ध्यान करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। गणेश विनायक या गणेश या गणपति या विघ्नेश्वर सभी हाथी देवता को दर्शाते हैं, जो युवा और वृद्धों के बीच लोकप्रिय हैं और जिन्हें किसी भी समारोह या संस्कार, किसी भी यज्ञ, किसी भी व्रत या तीर्थ यात्रा को नियमित रूप से शुरू करने से पहले सबसे पहले देवता के रूप में पूजा जाता है। वे मानव शरीर के अंदर और बाहर गणों या दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं। वे भगवान हैं जो विघ्न या बाधा को नियंत्रित करते हैं और उसे परास्त करते हैं, चाहे वे कितनी भी आसन्न या तथ्य का स्वाभाविक प्रभाव है कि गणपति बुद्धि विद्या या बुद्धि के देवता हैं। विनायक का दूसरा नाम विघ्नेश्वर है। ईश्वर वह है जो हर तरह के संपत्ति से संपन्न है, धन ज्ञान स्वास्थ्य आनंद सौंदर्य आदि। विघ्नेश्वर इन सभी प्रकार की संपत्तियों के परिवर्तक हैं और उनके आनंद में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते हैं। वे अपनी पूजा करने वालों को ये सभी प्रकार की संपत्तियाँ प्रदान करते हैं। विनायक को प्रथम वंदना पहला देवता जिनकी पूजा की जाने के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि दुनिया में हर कोई
धन और समृद्धि चाहता है, इसलिए हर कोई विघ्नेश्वर को पूजा के लिए पहला स्थान प्रदान करता है। गणपति एक ऐसे भगवान है जिनकी तांत्रिक विद्या में और विभिन्न वैदिक मंत्रों में पूजा की जाती है। कहावत है कि हाथी सतनधारियों में सबसे बुद्धिमान होता है और यह शाकाहारी होता है जो इसके सात्विक स्वभाव को दर्शाता है। गणपति का सिर हाथी का है क्योंकि यह उस बुद्धिमत्ता को दर्शाता है जिसके माध्यम से उपलब्धि के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है, चाहे वह धर्म निरपेक्ष हो या आध्यात्मिक। एक लोकप्रिय श्लोक है जिसका प्रयोग अधिकांश अवसरों पर गणपति का आवाहन करते समय किया जाता है। इसमें इस भगवान की विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख है। शुक्ल लम धर्म सफेद वस्त्र पहने हुए पहला है। यह शुद्धता का प्रतीक है क्योंकि अंबर का मतलब आकाश, अंतरिक्ष ईथर, हृदय का आकाश भी है। गणपति शुद्ध है, उनमें सार्वभौमिक प्रेम और करुणा है। विष्णु का अर्थ है कि वे हर जगह हर्ष में मौजूद हैं। शशि वर्णम तीसरा विशेषण है। राखिया विभूति के लंका यानी आध्यात्मिक वैभव से चमकता हुआ आध्यात्मिक उपलब्धियां और संभावनाओं की महिमाओं के साथ उन्हें विभूतियां भी कहा जाता है, क्योंकि गीता में भी हम कृष्ण को यह कहते हुए पाते हैं, जहाँ भी तुम शक्ति महिमा ऐश्वर्य विभूति देखो जान लो कि वह मेरा है। गणेश उनकी दिव्य महिमा में नहाए हुए हैं, यही शशि वर्णन गुण का महत्व है। चतुर्भुज चार हाथ वाले अगला चौथा अर्थ है। इसका मतलब है कि दो दृश्यमान हाथों के अलावा उनके पास दो अदृश्य हाथ हैं जो दिव्य उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। एक भक्ति को आशीर्वाद देना, दूसरा उसे खतरे से बचाना। वर्णनात्मक शब्द का अंतिम पांचवा भाग प्रश्नावतानम उज्ज्वल मुखाकृति है। मुखाकृति आंतरिक शांति, प्रसन्नता और संतुलन, आंतरिक कृपा, दया, शक्ति और संप्रभुता की चेतना को दर्शाती है। गणेश के हाथी के सिर का गूढ़ अर्थ क्या है? हाथी अपनी तीव्र बुद्धि के लिए जाना जाता है। गणेश का हाथी का सिर बुद्धि की तीक्ष्णता और विवेक की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। अपनी बुद्धि की शुद्धता के कारण विनायक को बुद्धि का दाता भी कहा जाता है। वे भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, इसलिए उन्हें सिद्धि विनायक या विनायक को मांगे गए वरदान को प्राप्त करता है। वे जाना जाता है। जंगल में जब हाथी चलता है तो वह दूसरों के लिए रास्ता साफ कर देता है। इसी तरह गणेश जी का आह्वान करने से हमारे कामों के लिए रास्ता साफ हो जाता है। हाथी का पर इतना बड़ा होता है कि जब वह चलता है तो किसी भी दूसरे जानवर के पैरों के निशान मिटा सकता है। यहाँ भी प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि गणेश जी को सम्मान का स्थान दिए जाने पर रास्ते की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। गणेश जी की कृपा से जीवन की यात्रा सुगम और खुशहाल हो जाएगी। विघ्नेश्वर को हाथी की बुद्धि से संपन्न भी माना जाता है। हाथी अपने सर्वोच्च बुद्धि के लिए जाना जाता है। यह अपने स्वामी के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा के लिए भी जाना जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण साईं गीता भगवान का हाथी है। आमतौर पर सड़क पर सैकड़ों गाड़ियां गुजर रही होंगी, साईं गीता उन पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जब स्वामी की गाड़ी उस ओर से गुजरती थी तो वह सहज रूप से उसे देख लेती थी। वह अपनी चिर परिचित जी के साथ सड़क पर दौड़ पड़ती थी। छुवाने के लिए कैसा प्रेम! अगर रास्ता को हाथी के बराबर माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब हाथी झाड़ियों के बीच चलता है तो उसका रास्ता सभी जानवरों के लिए एक नियमित द्वार बन जाता है। इस प्रकार वह सभी जानवरों के लिए गति निर्धारक बन जाता है। गणेश जी का वाहन जो है एक चतुर और जीवंत प्राणी है। प्रतीक के रूप में इसका मतलब है कि हमें अपने कामों में
चतुरों मेहनती होना चाहिए। चूहा रात के अंधेरे का भी प्रतीक है। चूहा अंधेरे में अच्छी तरह देख सकता है। विनायक के वाहन के रूप में चूहा एक ऐसी वस्तु का प्रतीक है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। इस प्रकार विनायक सिद्धांत का अर्थ है कि वह जो मनुष्यों को सभी बुरे गुणों, बुरे व्यवहारों और बुरे विचारों को दूर करता है और अच्छे गुणों, अच्छे आचरण और अच्छे विचारों को विकसित करता है। बुद्धिमानी से विवेक किए बिना किसी भी कौशल या शक्ति का लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए हमें यह जानना चाहिए कि अग्नि या विद्युत धारा का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए और हम अपनी आवश्यकताओं के लिए इसे किस हद तक साधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मनुष्य की इंद्रियां भी अग्नि की तरह हैं, उन्हें निरंतर सतर्क और नियंत्रण में रखना पड़ता है। जब तक हृदय शुद्ध न हो और इंद्रियों पर नियंत्रण न हो तब तक कोई पूजा सफल नहीं हो सकती। गणेश भगवान बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं, लेकिन जब अच्छे प्रयासों में बुरी बाधा डालते हैं तो वे बाधाएं पैदा करते हैं। वे सच्चे साधक के लिए रास्ता साफ करते हैं। जब आप उनसे अच्छे उद्देश्यों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वे प्रसन्न वदानम उज्जवल चेहरे वाले और लाभकारी नजर वाले होते हैं। लेकिन जब आप नापाक चालों के लिए उनकी मदद मांगते हैं तो वे ऐसे नहीं होते। वे पर्णव स्वरूप हैं, ओम का साकार रूप, इसलिए वे स्वयं शुभ हैं। विनायक सभी देवताओं के नेता हैं। सभी देवताओं के आदर्श के रूप में विनायक में आस्था विकसित की जानी चाहिए और उन्हें देवताओं के अवतार के रूप में पूजा जाना चाहिए। गणेश गायत्री ओम एक दंताय विद्महे मकरतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ है उस हाथी के सम्मान मुख वाले एक दांत वाले भगवान को समझकर इस घुमावदार सूंड वाले का ध्यान करो, वह हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे। आप मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते।